हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ कुछ और ऐसे टिकटॉक वीडियोस पर विच आर अपेरेंटली गोइंग टू मेक मी गो वाओ। अभी देखना पड़ेगा सच्ची में अच्छे वीडियोस है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। फोकस ये राइट कप में लेफ्ट राइट राइट वाले में ना क्या मुझे वापस देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो कप ही है, ड्राइंग नहीं हो सकता क्योंकि वो कप को घुमा रहा। मतलब एडिट किया ना उसने किधर। तो कब किया उसने एडिटिंग, मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। दिस वॉज सो स्मूथ। आप में से किसी को अगर पता चला उसने किधर कट किया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। रवि का यार दिस इज प्रोबेबली माय फेवरेट ब्राइडल लुक सो फार। और इसका स्माइल भी कितना यूनिक सा है। नाल तेरे तुर चलिया मैं, ले चल मुझको दुनिया। शी हैज अ वेरी क्यूट स्माइल। ये वन तक कैसे जाने वाली है। लेट्स सी दैट वन अगेन। आप लोग किधर तक जा सकते हो, मैं प्रॉबेबली शायद मैक्सिमम मैं 8 तक जा पाऊंगा। दिस इज क्रेजी। ओके तो इस वीडियो का कैप्शन है एलईडी सीलिंग क्लाउड्स। लेकिन क्लाउड्स कैसे बनाने वाले हैं। अच्छा कॉटन से। लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट है, ये अंधेरे में तो अच्छा दिखता है, अच्छा भी नहीं अमेजिंग दिखता है, लेकिन जब डे टाइम में ये थोड़ा ऐसा नहीं लगेगा क्या कि सीलिंग में लीकेज हो रहा है। लीकेज नहीं, ऐसा लग रहा है कि फंगस कुछ आया हुआ है। आई डोंट नो मैं इतना ज़्यादा क्यों डर गया, शायद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था इसके लिए। ये इससे पहले के सारे वीडियोस बहुत ही अमेजिंग माइंड ब्लोइंग रहे और ये अचानक से एक जंप स्केयर आ गया। ट्यून में रिप्लाई कर रहा हूँ भी। ये किधर है, इंडिया और पाकिस्तान में तो ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं। अपने यहाँ एक ही ट्यून बजता है। पै 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 पै। अभी ये कैसे पॉसिबल है। आजू बाजू के सब जन चल रहे हैं। एडिटिंग करके कुछ डाला है क्या उसको बीच में। नहीं यार, लेकिन एक और बार देख रहा हूँ, आजू बाजू के लोगों के रिएक्शन देख के पता चल रहा है कि वो एक्चुअली उधर है। उसका बाल कैसे ऐसा खड़ा है, बाल छोड़ो उसका स्कार्फ ऐसा कैसे हवे में। इंप्रेसिव यार। नो वे। लेट्स वॉच दैट अगेन, दिस वॉज अमेजिंग। पहले तो कैनवस स्पीच, फिर कितना मेहनत लगा होगा यार। And this transition was also very smooth. Good job. Make people think it's a photo. Photo नहीं है? हाँ यार, उसका पैर हिल रहा है थोड़ा सा। Still, it's super impressive. क्या body strength चाहिए रहेगा खुद को ऐसे position में hold करने के लिए। I pinned a ring to the target. No way, ये क्या? Arrow को वो ring के through मारने वाले क्या? इतना छोटा सा ring है। Wow.
ओ नो, बच्चा रोने लगा। क्यूट था लेकिन, एक और बार देखता। ये कौन सा फिल्टर है लेकिन? हॉर्स फिल्टर। बेचारा बेचारा बच्चा। ये क्या, एक और आर्ट वीडियो है क्या? ये तो मैं भी कर सकता हूँ यार, क्या बस रैंडम लाइंस इधर उधर। नहीं यार, एक्चुअली एक्चुअली अच्छा आर्ट है। डू द GTA थीम सॉन्ग। लोग काफी क्रिएटिव है आजकल। क्रिकेट वीडियो। इसके हाथ में बैट भी नहीं है। आई डोंट नो आप लोग रियलाइज कर रहे हो कितना इम्प्रेसिव है, लेकिन इसके वो इतना आगे खड़ा है एक तो, फिर पीछे आता है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड रहा रहेगा उसके पास ये सब करने के लिए, और फिर भी टाइमिंग देखो कितना अच्छा था, शॉट का टाइमिंग। ओके, तो ये लड़की एक मेकअप आर्टिस्ट है यार, सच्ची में इरफान खान की तरह लग रही है ना। रेस्ट इन पीस इरफान खान। कैन वी वॉच दैट अगेन? कितना पावरफुल है इसका पंचस। इमेजिन करके देखो कि आप इस बच्चे के पेरेंट हो और आपने इसको गुस्से में बोल दिया, जाओ बेटा अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो, और इस बच्चे को गुस्सा आ गया तो ये चालू हो जाएगा पापा पापा। माइकल जैक्सन प्लीज। ये क्या कटआउट बनाने वाला है माइकल जैक्सन का? मुझे कौन से भी एंगल से माइकल जैक्सन का कटआउट नहीं लग रहा। कैसे ये सब बर्ड्स बोट के साथ क्यों उड़ रहे लगे? ये तो कितना क्लोज है। आई एम गोइंग टू वॉच दैट अगेन बिकॉज मुझे बर्ड्स बहुत पसंद है। नेचर कितना ब्यूटीफुल है। फॉर्मेशन देखो इनका कैसे उड़ रहा। आई विश मैं उधर होता। ये इसका एक्टिंग बहुत अच्छा था। ये लेफ्ट साइड में जो है उसका नाम है क्या, शिवानी। शिवानी ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया एक्चुअली, ऐसा उसको मार रहा है वैसा इम्पैक्ट। शी इज वेरी गुड। वाओ यार, ये जबरदस्त है यार। ये किधर मिलता है, मुझे खरीदना है। इमेजिन करके देखो अगर मेरा इंट्रो बबल्स के साथ होगा तो कितना इम्प्रेसिव लगेगा। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाउ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज दिस इज सो एक्यूरेट। GTA में ऐसे ही वॉल के अगेंस्ट भागता रहा था। GTA स्टाइल शॉपिंग। ये भी कितना रही है, उन लोग ऐसे ही डोर सब ऐसे ही खोलता है बहुत ही एग्रेसिवली GTA में। आइडिया, अटैच अ पेपर प्लेन टू अ फैन। Amazing. मैं 1 सेकंड के लिए डर गया था, मेरे को लगा ये बच्चा तो गया। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ए स्पैरो, इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया? पहले मेरे घर के आसपास कितने सारे स्पैरोस होते थे, लेकिन आजकल दिखना बहुत ही रेयर है। सॉरी मैं बार बार देख रहा हूँ, बट दिस वीडियो इज सो ब्यूटिफुल, और मुझे बर्ड्स भी पसंद है तो ऑब्वियसली मैं बार बार देखूंगा।
हाउ इम्प्रेसिव इज दैट, वो पैराशूट पे फुटबॉल ट्रिक्स कर रही है. नाइस. शी हैज अ होल अदर हाउस अंडर हर हाउस. यार मेरे सपने भी कितने छोटे होते हैं. मैंने लास्ट एपिसोड में जब वो सीक्रेट बेडरूम देखा था आप लोग के साथ, मैं बोल रहा था कि मुझे भी एक सीक्रेट बेडरूम चाहिए, लेकिन इसके पास सीक्रेट पूरा घर है. मेरे सपने भी इतने बड़े नहीं होते यार जितना इसका बड़ा घर है. कितना ट्रस्ट चाहिए कि ये नीचे वाला बंदा पकड़ लेगा. Obviously, उन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन फिर भी कितना ट्रस्ट चाहिए. ये सेम पर्सन है क्या? लेट मी सी, फेस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. सेम है ये बिल्कुल. ये तो रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो हो गया है. तो दिस वॉज एपिक. ये वही लड़की है क्या वापस? अभी वो कैसे वन तक पहुंचने वाली है? इम्पॉसिबल है. वन आज के लिए बस हो गया. मेरा माइंड ब्लो हो चुका है, मेरा माइंड ब्लास्ट हो चुका है. अभी थोड़ा माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है. एंड इस वीडियो का कितना टारगेट रखना चाहिए लाइक्स का? फर्स्ट एपिसोड में मैंने आप लोग को 10,000 लाइक्स का टारगेट दिया था, आप लोग ने डिस्ट्रॉय किया. सेकेंड एपिसोड में 11,000 लाइक्स का टारगेट दिया, वो भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया. इस बार कितना रखो? 15,000. बहुत ही बड़ा टारगेट है. चलो 15,000 आप लोग के लिए बड़ा टारगेट दिया. अगर आप लोग 15,000 लाइक्स तक पहुंचा सकते हो इस वीडियो को, तो आई विल मेक एपिसोड नंबर 4 ऑफ माइंड ब्लोइंग टिकटॉक वीडियोस. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.